हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे, अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका होस्ट स्वर्णिम गुप्ता आज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है ट्रेंड ज्ञान। अगर आपने इस चैनल की वीडियोस पहले देखी होंगी तो मुझे भी उन वीडियोस में जरूर देखा होगा, और मैं आपके सभी के लिए क्रिकेट के रिलेटेड बहुत सारा डाटा गैदर करके लाता हूँ। क्रिकेट के अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इस चैनल पे, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो ये जो आज की जो ये वीडियो है, स्पेशली क्रिकेट लवर्स के लिए, आज की वीडियो भी मैं क्रिकेट के ऊपर ही लेके आया हूँ। क्योंकि आज की जो ये वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं बताने जा रहा हूँ एक और स्टेडियम के बारे में। इससे पहले भी मैंने दो तीन वीडियोज़ बनाई थी, वो स्टेडियम्स के ऊपर बनाई थी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक स्टेडियम के बारे में। ये इंडिया का कोई स्टेडियम मैंने चूज़ किया है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं लोगों तक पहुँचाने जा रहा हूँ, और इस स्टेडियम की मैं सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा आपको कि स्टेडियम पे होने वाली सीरीज कौन कौन सी हैं, अपकमिंग मैचेस कौन कौन से हैं, इस स्टेडियम के क्या क्या ग्राउंड फैक्ट्स हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, क्या क्या स्टैट्स रह चुके हैं, क्या पिच रिपोर्ट है, बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है। अगर बॉलिंग पिच है तो दोस्तों फास्ट बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे या स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। इस वीडियो के थ्रू आप अपनी फैंटेसी टीम भी बना सकते हैं, वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, कौन से प्लेयर्स चूज करना है, कौन से ज़्यादा विकेट लेंगे बॉलर्स, और पिच कैसा बिहेव करती है अलग अलग कंडीशंस में, हाईएस्ट रिकॉर्ड्स कितने हैं टीम के, इंडिविजुअल प्लेयर्स के कौन से प्लेयर ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को ग्राउंड के फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, ये जो ग्राउंड ओपन हुआ था, ये हुआ था 1958 में। इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो 45,000 की है। इस ग्राउंड के जो एंड है वो महानदी रिवर एंड पेविलियन एंड के नाम से भी फेमस है। और इस ग्राउंड की जो लोकेशन है दोस्तों, वो कटक इंडिया में लोकेटेड है ये ग्राउंड। और ये जो होम ग्राउंड है, ये इंडिया नेशनल टीम, क्रिकेट नेशनल टीम का होम ग्राउंड है, और ओडिशा की टीम का होम ग्राउंड है। दोस्तों, इस स्टेडियम के कुछ स्टैट्स की बात कर लेते हैं, बारह बात स्टेडियम के स्टैट्स की। तो इसके अगर T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स देखें तो इसमें अब तक दो ही T20 मैच खेले गए, जिसमें फर्स्ट बैटिंग करते हुए एक टीम जीती है, सेकंड बैटिंग करते हुए भी एक ही टीम जीती है। टाई मैच एक भी नहीं हुआ। इसका जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का 136 रन है, हाईएस्ट स्कोर अब तक का इसमें इंडियन टीम ने बनाया है 180 पे 3। और अगर इसके स्कोरिंग पैटर्न देखते हैं, 150 से कम इसमें एक बार बना है, और दूसरा जो मैच हुआ था उसमें 170 से 189 के बीच का स्कोर था, जो कि 180 पे 3 था इंडिया का। अगर ओडीआई की बात करें, इस ग्राउंड पे सबसे ज्यादा ओडीआई मैच खेले गए हैं तीनों फॉर्मेट्स में देखें तो 19 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं इसमें, जिसमें से 8 बार फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 11 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है। एवरेज जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर है ओडीआई में वो 250 रन के लगभग है। हाईएस्ट स्कोर इंडिया का है इस ग्राउंड पे भी 381 पे 6। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो 200 से कम अब तक इस ग्राउंड पे 4 बार स्कोर हुआ है, 200 से 250 के बीच में 5 बार स्कोर हुआ है, और 250 से 299 के बीच में 6 बार स्कोर हुआ है। दोस्तों, 300 से ज्यादा 4 बार स्कोर हुआ है। T20 डोमेस्टिक की अगर बात करें, इस ग्राउंड पे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला जाता है, इंडियन के जो नेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, रणजी ट्रॉफी वगैरह, उसके भी मैच इसमें होते हैं। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट T20 की बात करें तो इसमें 5 मैचेस खेले गए हैं डोमेस्टिक के, जिसमें फर्स्ट बैटिंग करते हुए जो टीम जीती है 2 बार जीती है, सेकंड बैटिंग करते हुए जो टीम जीती है दोस्तों 3 बार जीती है। इसके जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का वो 167 रन है। चलते हैं दोस्तों इस स्टेडियम के पिच रिपोर्ट के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस स्टेडियम के बताऊंगा कि कैसी पिच है, क्या बिहेव करती है, बॉलिंग पिच है, बैटिंग पिच है, बैट्समैन फ्रेंडली है, बॉलर फ्रेंडली है, अगर बॉलर फ्रेंडली है तो फास्ट बॉलर्स होंगे के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है, या स्पिनर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये ग्राउंड की जो ये पिच है वो बेसिकली डेड पिच है। इस पर इतना ज़्यादा बाउंस वगैरह नहीं होता, लेकिन ये जो पिच है बॉलर्स के लिए ज़्यादा बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब कौन से बॉलर्स के लिए इफेक्टिव होती है, फास्ट बॉलर्स के लिए या स्पिन बॉलर्स के लिए? तो दोस्तों, इसकी जो है इस पिच पे फ्लैट है, और ग्रीनिश ग्रास भी है इस पे, हल्की हल्की ग्रीनिश ग्रास है, जो कि स्पिनर्स की बॉल स्पिनर्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्योंकि स्पिनर्स अगर स्लो बॉल करते हैं तो वो बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन होती है, और बैट्समैन के एज लग के कैच आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें कि स्टेडियम पे जो होने वाले मैचेस हैं, अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सी सीरीज होंगी इसमें, कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं। लेकिन उन जब मैचेस होंगे तो उनकी वेदर रिपोर्ट क्या रहेगी, ये मैंने आपको बताया कि जो रेन की प्रोबेबिलिटी है वो 5% रहेगी, ज़्यादा नहीं है। लेकिन प्रेसिपिटेशन रहेगा, ड्यू फैक्टर रह सकता है, 25% का ड्यू फैक्टर रहेगा इसमें। और जो टेम्परेचर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस आने वाला मैच के टाइम का।
अगर इस स्टेडियम के कुछ टेस्ट रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इंडियन टीम ने बनाया है 400 रन श्रीलंका के खिलाफ 1987 में। उसके बाद दूसरे हाईएस्ट स्कोर भी इंडिया का ही है 296 पे एक डिक्लेयर कर दी थी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 नवंबर 1955 में। श्रीलंका ने बनाया फिर 191 इंडिया के खिलाफ 1987 में, और न्यूजीलैंड ने भी बनाया 175 पे एट इंडिया के खिलाफ 1995 में। अगर हम इसके ओडीआई के रिकॉर्ड देखें, टॉप 10 ओडीआई के स्कोर्स अब तक के इस ग्राउंड पे क्या रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट पे है इंडिया 381 पे सिर्फ, जैसा कि आपको पहले बताया इंग्लैंड के खिलाफ मारे 2017 में। अगला है इंग्लैंड का 366 पे 8 इंडिया के खिलाफ 19 जन 2017 में। दोस्तों ये जो मैच था ये दोनों रिकॉर्ड एक ही मैच में बनाए गए थे। इसमें इंडिया की टीम पहले बैटिंग कर रही थी जिन्होंने टारगेट दिया 381 पे 6 का, तो इंग्लैंड जो है वो मैच 381 तो अचीव नहीं कर पाई, लेकिन 366 पे 8 विकेट्स डाउन होके मैच वहां तक पहुंच गई थी। उसके बाद जो हाईएस्ट स्कोर है वो इंडिया के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं, इंग्लैंड के, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी बहुत टीम्स हैं जिन्होंने इस पे हाईएस्ट स्कोर किया है। अगर दोस्तों T20 क्रिकेट की बात करते हैं, इस ग्राउंड पे T20 के सबसे ज्यादा रन किसके हैं, इंडियन टीम्स के हैं 180 पे 3 श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे 2017 में। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने बनाए थे 96 पे 4 इंडिया के खिलाफ 2015 में। और उसके बाद जो स्कोर बने हैं वो बहुत ही लो स्कोर था 92 और 87। जैसे कि मैंने आपको बताया बैट्समैन को खेलने में इस ग्राउंड में बहुत दिक्कत होती है, बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड है इसलिए इतना हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं होता। अब मैं बताता हूँ आपको कि टॉस फैक्टर क्या रहेगा दोस्तों इस मैच में। अगर कोई कैप्टन कोई टीम खेल रही है उसका कैप्टन टॉस जीतता है तो टॉस जीत के पहले वो क्या चूज करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये ग्राउंड जो है वो बॉलिंग के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है। कोई भी कैप्टन किसी भी फॉर्मेट में अगर टॉस जीतता है तो वो डेफिनेटली बॉलिंग ही चूज़ करेगा, क्योंकि बॉलिंग चूज करने के बाद वो यही चाहेगा कि अपोनेंट टीम को कम से कम स्कोर पे रोक के उन्हें और मैच को जल्दी ख़त्म करो, जीत सकें हम मैच को। टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया है कि टेस्ट में भी ये बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा इस पिच पे, क्योंकि उनकी बॉल जो है बहुत ज़्यादा स्पिन होगी। और अगर ओडीआई की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पे सबसे ज्यादा ओडीआई के ही मैचेस हुए हैं, और ओडीआई में स्पिनर्स ने ही अब तक की सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं इसमें, तो स्पिनर्स ही ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे ओडीआई के मैचेस में भी। तो कैप्टन जो है टॉस जीत के बॉल ही चूज करेगा, बॉलिंग ही चूज करेगा, सेकंड बैटिंग चूज करेगा। लेकिन दोस्तों ड्यू फैक्टर की वजह से जो है सेकंड बैटिंग करने के टाइम, सेकंड बॉलिंग करने के टाइम पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे बॉल जो है हाथ से फिसलने लग जाते हैं गीली होने की वजह से। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि हम इस पे आने वाली सीरीज के बारे में भी बताएंगे, कौन कौन सी सीरीज होने वाली है इस ग्राउंड पे, इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक है, T20 लीग्स होंगी, मेंस की, वुमेंस की, कौन कौन से मैचेस होंगे। दोस्तों अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो उस वीडियो का लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।